आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉई खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉई खबर यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यहां पर कर्मचारियों की वेतन को लेकर यहां पर जो है सरकार की तरफ से एक नई पहल की जा रही है, जिसे वन नेशन वन पे डे यहां पर जो है का नाम दिया गया है। यानी कि एक नेशनल एक ही दिन वेतन यहाँ पर जो है सभी कर्मचारियों को दिया जाए, ऐसी योजना यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो इसी के बारे में जो है आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है www.employeekhabar.com पर विजिट करके यह पोस्ट देख सकते हैं। वन नेशन वन पे डे यानी कि कर्मचारियों की वेतन को लेकर अलग अलग विभागों में भिन्न भिन्न तारीखों पर वेतन होता है। कई बार कर्मचारियों को वेतन काफ़ी देरी से आती है, वहीं उसी स्तर पर कार्य करने वाले किसी अन्य क्षेत्र के कर्मचारियों को वेतन मिल जाता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जल्द ही वन नेशन वन पे डे यानी कि वन नेशन वन पे डे स्कीम पर विचार किया जा रहा है। इस बात की जानकारी स्वयं श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी ने ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर दी है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जो कि लेबर मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा कहा गया है कि पूरे देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत हर सेक्टर में सभी वर्ग के कर्मचारियों और मजदूरों को एक दिन ही यहां पर जो है सैलरी यानी कि वेतन मिले, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं। इस बाबत कानून जल्द ही तैयार किया जाएगा। संतोष गंगवार ने आगे मजदूरों से जुड़े निम्न नियमों के बदलाव की भी यहाँ पर जो है बात की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यावसायिक सुरक्षा हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड OSH एवं कोड ऑन वेजेस को लागू करने की दिशा में यहाँ पर जो है कार्य कर रही है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या होता है ये जो यहाँ पर नया नियम जया जो सिस्टम लाने की तैयारी यहाँ पर सरकार कर रही है, वन नेशन वन पे डे, ये आखिर किस तरह से होगा। तो देश में कार्यरत सभी कर्मचारियों को एक ही दिन वेतन का प्रावधान हो, सभी कर्मचारियों को बिना भेदभाव के एक ही दिन एक समय पर वेतन मिले, इस दिशा में वन नेशन वन पे डे पर जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। हालाँकि अभी इसकी जो है किस तरह से गाइडलाइन होगी, किस तरह से जो है यह कार्य करेगा, यह जो है इस बात पर जो है जिक्र नहीं किया गया है। केवल केंद्र के कर्मचारियों के लिए होगा या असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी होगा, इस पर जो है अभी सवाल बने हुए हैं। इस बात का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था पर जो है कार्य चालू है और जल्द ही जो है इस तरह की व्यवस्था लागू हो जाएगी। यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो कर्मचारियों को इसमें समय पर वेतन मिल जाएगा और समय पर ही यहाँ पर जो है सभी कर्मचारियों को एक साथ वेतन मिल जाया करेगा, जिससे जो है कर्मचारियों को यहाँ पर जो है काफ़ी सुविधाएं हो सकती है। तो दोस्तों, यही जानकारी ये वीडियो अब तक पहुँचाना था। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।